बटनेर किंग्स क्लब ने रेलवे के मंडल मंत्री इशफाक खान का किया अभिनंदन। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में हुआ कार्यक्रम। रेलवे यूनियन के मंडल मंत्री इशफाक खान ने बेहतर सेवा करने का दिया भरोसा। भटनेर किंग्स क्लब की ओर से उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के नवनिर्वाचित मंडल मंत्री इशफाक खान का अभिनंदन किया। जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष तरुण विजय ने की। इस अवसर पर भटनेर किंग्स क्लब के अध्यक्ष कुलभूषण जिंदल और संरक्षक आशीष विजय ने नवनिर्वाचित मंडल मंत्री इशफाक खान का अभिनंदन किया। इस अवसर पर उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के बीकानेर मंडल मंत्री इशफाक खान ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि कर्मचारी हितों को लेकर संघर्ष करना ही हमारा धैर्य है। हम लोग ट्रेड यूनियन मूवमेंट चलाते हैं, हमारा उद्देश्य एक ही होता है कि कर्मचारी के हितों के संघर्ष करना ही हमारा प्रथम उद्देश्य होता है। और जब हम लोग कर्मचारी के संघर्षों के हितों के लिए जब संघर्ष करते हैं ना, उसी कारण बीकानेर मंडल में 11,400 कर्मचारी है, तो उनकी जो भावनाएं यही रहती है कि जो अच्छा काम करते हैं तो उनको ये पद दिया जाए। और मुझे ये चौथी बार 2013 से मैं लगातार मंडल मंत्री के पद पर ही कार्यरत हूँ। तो इस बार फिर से आपको ये जिम्मेवारी दी गई है, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? मैं स्वयं हनुमानगढ़ को बिलोंग करता हूँ, तो हमारी पहली प्राथमिकता तो ये रहती है कि हनुमानगढ़ के अंदर हर कर्मचारी और कर्मचारी के साथ हर दूसरे साथी लोग भी ये उम्मीद करते हैं कि हम लोग कुछ नया हो। जैसे अभी वाशिंग लाइन आ रही है, तो वाशिंग लाइन के अंदर अभी मेरी बात हुई थी, एक तो रणकपुर गाड़ी है, एक दादर है और एक हावड़ा है सुपरफास्ट, तो दो गाड़ी तो है परमानेंट और एक किसान एक्सप्रेस बठिंडा से, उसको यहाँ से रेगुलाइज करने का 99.99 चांस है। और तीसरी एक हावड़ा वीकली है, वो भी हनुमानगढ़ से वाशिंग लाइन से चलेगी, उससे करीबन करीबन 125-150 आदमी इलेक्ट्रिक और CNW स्टाफ बढ़ जाएगा, 10 से 15 TT बढ़ जाएंगे। तो यानी कि हनुमानगढ़ के अंदर फिर एक बार, जो आज से 20 साल पहले जो ख़त्म हो गया था CNW कैरिज एंड वैगन स्टाफ, वो फिर से दोबारा शुरू हो जाएगा। हनुमानगढ़ में लोको था, कैरिज था, जैसे आपने बताया, और भी जो काफ़ी यूनिटें ख़त्म कर दी गई हैं, तो इसको वापस लाने के लिए क्या प्रयास करेंगे? जो पुरानी जो टेक्निकल चीज़ें थी वो तो धीरे धीरे समाप्त होगी, क्योंकि आजकल मोटरवे इंजन आने लग रहे हैं और आने लग रहे हैं, तो वो चीज़ें तो नहीं आएगी, लेकिन उनकी जो देख रेख और उसको चलाने के लिए जो जगह है उनके लिए ये लोग अपन लोग प्रयास रहता है कि भाई यहाँ से जैसे 5 ट्रेनें चलेगी, अगर वो 5 ट्रेनें चलेगी तो यहाँ से हमारे यात्री सुविधाएं बढ़ेगी, यात्रियों को सुविधा मिलेगी, ये चीज़ें हमारे पास होंगी। हम सब के लिए बड़े खुशी की बात है कि हमारे बड़े भाई इशफाक खान जी को चौथी बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जिस रेलवे यूनियन का इनको मंडल मंत्री बनाया गया, जिसमें 11,000 सदस्यों ने सर्वसम्मति से इशफाक जी को इसका जिम्मेदारी, चौथी बार जिम्मेदारी मिलने का मतलब आप सभी भलीभांति परिचित ही हैं कि इनके द्वारा कर्मचारियों के हितों की लड़ाई के लिए, और हनुमानगढ़ में मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कर्मचारियों के साथ साथ हमारे बड़े भाई इशफाक खान जी के पास कोई भी शहर का नागरिक, आम नागरिक भी जाता है, तो उसके लिए भी ये हमेशा उनके लिए तत्पर रहते हैं। और इनके चौथी बार बनने से मुझे ये खुशी है कि आप देख रहे हैं जो रेलवे का, हनुमानगढ़ का जो रेलवे स्टेशन है, जो एक अलग ही उसका नक्शा बन रहा है, तो इशफाक जी के द्वारा चौथी बार जो जिम्मेदारी मिलने से हमें इस आज इनके हमारे भटनेर क्लब की तरफ से अभिनंदन करने का जो उद्देश्य है वो यही है कि जो यहाँ इतनी रेलवे स्टेशन जो एक राजस्थान में और पूरे इंडिया में अपनी एक अलग पहचान रखेगा, तो हमारे भाई, और मुझे तो पूरा विश्वास है कि जैसा कि अभी बताया इशफाक जी ने कि 5 ट्रेनें और भी ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करेंगे हनुमानगढ़ से रेलवे की ट्रेनें चलें, जिससे आम नागरिक को फ़ायदा हो, और मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान।